ओम शांति। बाबा ने आकर हम सभी को माया पर विजय प्राप्त कराई है। इस माया का ज्ञान तो हमें हजारों वर्ष से था। ऋषि मुनि और आचार्यों ने भी इस माया के बारे में बहुत कुछ कहा था, परंतु कोई भी माया को जीतने की विधि नहीं बता पाया था। बस माया को जीतो, यही लोग कहते थे। पर बाबा ने आकर हमारी सोई हुई स्मृतियों को जगा दिया है, याद दिलाया तुम परम पवित्र आत्मा हो, याद दिलाया तुम देव कुल की महान आत्मा हो, याद दिलाया तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। बहुत अच्छी तरह याद दिला दिया कि तुमने अनेकों बार करोड़ों बार इस माया को जीता है। तो सोच ले, हम सभी जिन्होंने करोड़ों बार माया को जीता हो, उनके लिए अब इसे जीतना कितना सरल होगा। तो याद दिलाया तुम विजय माला के मणके हो, तुम विजय रतन हो, तुम तो ऐसे मणके हो जिन्हें स्मरण करके भक्त भी समस्याओं से मुक्त हो जाते हैं। तो हम स्मृति में लाएं, मैं विजय रतन हूं, कल्प कल्प मैंने इस माया को जीता है, काम को जीता है, क्रोध को शांत किया है, लोभ से मैं मुक्त हुई हूं, मोह ममता से मैंने कोई नाता नहीं रखा और अहंकार को तो मैंने सदा के लिए विदाई दे दी थी। रही बात ईर्ष्या द्वेष घृणा तेरा मेरा व्यर्थ चिंतन, ये सब तो मेरे सब्जेक्ट ही नहीं हैं। तो मैं विजयी हूं, मुझे पुनः विजयी बनना है, ये नशा हमें हो जाना चाहिए। और हो सके तो आप 108 की माला में अपना नंबर ही फिक्स कर दो, विजन बनाओ, ये मेरा नंबर है, माला देखो इसमें ये मेरा नंबर है। इससे क्या होगा, हमारे पुरुषार्थ की गति तेज हो जाएगी। मुझे ये नंबर प्राप्त करना ही है, ये लगन सभी विघ्नों को नष्ट कर देगी और हम अपनी मंजिल की ओर तीव्रता से चल पड़ेंगे। जितना जितना हमें विजय का नशा होता जाएगा, विजय रतन होने की खुमारी चढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारे अंदर की सोई हुई शक्तियां जागृत होंगी और वो हमें माया को जीत पहनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगी। तो माया को जीतने के लिए जहां श्रेष्ठ ज्ञान की आवश्यकता है, जहां योग बल की आवश्यकता है, वहीं तीसरी चीज स्मृति स्वरूप होने की भी आवश्यकता है। वास्तव में हमारी स्मृति स्वरूप स्थिति बहुत श्रेष्ठ स्थिति है। जब हमें स्मृति आ जाती है अपने भिन्न भिन्न स्वरूपों की, तो आज याद करेंगे बाबा ने मुझे तिलक दिया है विजयी होने का, विजयी भव। सीन सामने लाएंगे, बाप दादा सामने खड़े हैं, अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है, मस्तक पर तिलक लगाया और कहा बच्चे विजयी भव। ये पुराने संस्कार तुम्हारे नहीं हैं, तुम्हारे तो असली संस्कार देव संस्कार हैं, विजयी भव। स्वीकार कर लें, बाबा ने हमें माया पर विजय पाने का वरदान दे दिया है, अब हमारी जीत निश्चित है। इसकी स्मृति में रहने लगे तो आज सारा दिन ये विजय का तिलक बाबा से लेते रहेंगे और अशरीरी होने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि अनेक विकार देहभान से उत्पन्न होते हैं और जैसे जैसे हम अपनी निराकारी स्थिति में रहने लगते हैं, ये विकार सभी छूटने लगते हैं, हम वॉइसलेस बनने लगते हैं, क्योंकि देहभान छूटने लगता है, इससे व्यर्थ संकल्प भी छूटने लगते हैं। तो आज विजय रतन होने के साथ साथ हम निराकारी स्थिति का भी अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा बिल्कुल देह से न्यारी निराकार हूं, संकल्प करेंगे मेरा देह लोप हो गया,
देखे तत्व प्रकृति के तत्वों में विलीन हो गए और बच गई मैं निराकार आत्मा। बस अपने स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर कर देंगे तो सभी संकल्प इस स्वरूप में समा जाएंगे और हमारी स्थिति संपूर्ण रूप से निरसंकल्प हो जाएगी। तो आइए आज से हम विजयी रतन बन जाएं। थैंक यू।